मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का अंतिम दिन था और नामांकन के अंतिम दिन अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अपने समर्थकों के समर्थन में बालाघाट पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी की नामांकन रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के बाद तकरीबन 5 बजे बालाघाट पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद रैली के साथ नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में भारती पारधी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर जताया कि वे इस चुनावी समर में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी हैं। इस दौरान मोहन यादव ने भारी जन समुदाय से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए एक बार फिर देश में मोदी की सरकार बनाने की बात कही। इधर कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वर के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बालाघाट का दौरा किया। प्रधानमंत्री को पुनः एक बार देश की ताकत देने के लिए और मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीट देने का हम सब संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, मुट्ठी बांधे और हम सब संकल्प करें कि जब तक एक एक कार्यकर्ता अपने आसपास और जहां तक मेरी आवाज जा रही वहां तक भाजपा को वोट नहीं दिलाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और बहन कविता भारती पारधी के लिए अपना पूरा समय दे करके और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को लाखों वोटों से हमको जिताना है। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज नहीं आ रही, सब तैयार है? और मेरे साथ बोलो भारत माता की।